गुड मॉर्निंग एवरी वन। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट एसेशनल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वैध अनुबंध के लक्षण। मीन्स कोई भी जब हम ठहराव बनाते हैं, जो ठहराव की जो हमने डेफिनेशन देखी है कि वे सभी ठहराव जो कि कानून द्वारा परिवर्तन होंगे वो अनुबंध बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले हमें पता है कि ठहराव से अनुबंध बनेगा, तो ठहराव के लिए प्रस्ताव पर सहमति होना जरूरी है। जैसे ही प्रस्ताव पर सहमति बनेगी वो ठहराव बन जाएगा, और ठहराव को जब हम कानून द्वारा परिवर्तन करवा लेंगे यानी देन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ व्हेन वी क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही हमारा ठहराव को हम कानून द्वारा परिवर्तनीय हो जाएगा अनुबंध बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H जो कहती है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी ऑल एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वे सभी ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय है अनुबंध माने जाएंगे। तो बच्चों हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं कि जब ठहराव अनुबंध बनेगा, तो उसके लिए हमें बातें ध्यान रखनी है कि केवल वे ही ठहराव अनुबंध बनेंगे जिनमें वैध अनुबंध के लक्षण होंगे। तो वे लक्षण कौन से होंगे, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जो ये प्रूफ करेंगे कि इनमें वैध अनुबंध के लक्षण हैं। नंबर वन, तो एसेशनल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहली बात है टू पार्टीज। तो जब भी हम ठहराव की बात करेंगे तो उसके लिए दो पक्षर होना जरूरी है। दो पक्षर इसलिए होने चाहिए बच्चों क्योंकि एक व्यक्ति प्रपोजल देगा, प्रस्ताव करेगा, दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी सहमति देगा। सपोज करिए राम ने श्याम से कहा, राम एक पक्षकार है और श्याम दूसरा पक्षकार है। तो राम ने श्याम को प्रस्ताव किया कि मैं तुम्हारा मकान 10 लाख में खरीदना चाहता हूँ। और सपोज करिए श्याम ने उस पर अपनी सहमति दे दी, मीन्स श्याम अपने मकान बेचने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर श्याम के प्रस्ताव को श्याम ने स्वीकार कर लिया, तो प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलते ही ठहराव का निर्माण माना जाएगा। तो कहने का मतलब है दो पक्षकार होने चाहिए, तभी हम आपस में एग्रीमेंट कर पाएंगे। सेकंड बिंदु जो हमारा है वो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव किया और दूसरे व्यक्ति ने अपने उस पर सहमति दे दी, तो उन दोनों के बीच में क्या बन गया बच्चों, वो एग्रीमेंट बन गया। तो ये एग्रीमेंट होना आवश्यक है। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, तभी हमारा आगे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। थर्ड बिंदु है हमारा फ्री कंसेंट। बच्चों फ्री कंसेंट का क्या आशय होता है समझिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बिंदु पर। फ्री कंसेंट मीन्स स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति तब मानी जाएगी, मान लीजिए राम ने श्याम को प्रस्ताव किया कि मुझे तुम्हारा मकान 10 लाख में खरीदना है, और श्याम ने अपनी सहमति उसके ऊपर दे दी, तो ये स्वतंत्र सहमति मानी जाती है। लेकिन सपोज करिए श्याम अपना मकान अगर नहीं बेचना चाहता है, वो उस पर सहमति अपनी नहीं देता है, तो जो राम ने जैसा प्रस्ताव किया वो श्याम को कहता है तुम अपना मकान मुझे नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मार दूंगा या तुम्हारे तुमको किडनैप कर लूँगा। तो सर से क्या कर रहा है बच्चों, उसको डरा रहा है। तो जब डरा रहा है तो डर के आगे व्यक्ति हर कार्य करने को तैयार हो जाता है। और सपोज करिए श्याम ने अपनी सहमति दे दी, डर गया वो उससे, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें मकान बेचने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर बच्चों ये ध्यान रखना है सहमति फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी बच्चों, क्योंकि वहाँ पर उसको सहमति डर की दी है, जान से मरने के डर से उसने सहमति अपनी दी है। उसे वो लगता है कि यदि मैं सहमति नहीं दूंगा यानी मकान उसे नहीं बेचूंगा तो मुझे जान से मार देगा या मेरा किडनैप कर लेगा या कुछ भी गलत कार्य उसके प्रति कर सकता है। तो कहने का मतलब यह फ्री कंसेंट नहीं है। तो बच्चों ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने की योग्य है कि जब भी ठहराव से अनुबंध बनेगा तो कंसेंट कैसे होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। तो कंसेंट व्यक्ति स्वेच्छा से देना चाहिए। यदि आप उसे डराकर धमकाकर कार्य करवाने का प्रयास करोगे तो इस प्रकार से अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वह एक्सेप्टेंस फ्री नहीं मानी जाएगी, और उससे आप लीगल जो है एग्रीमेंट से वो लीगल एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाओगे। तो ये बिंदु हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंसिडरेशन से प्रतिफल। प्रतिफल का आशय ये होता है बच्चों जो कुछ के बदले कुछ। जब हम कोई वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं तो उसमें प्रतिफल होता है ना बच्चों। तो प्रतिफल जब तक नहीं होगा तो एग्रीमेंट कैसे बनेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने राम और श्याम का एग्जांपल देखा, तो राम ने श्याम से कहा कि मुझे तुम्हारा मकान 10 लाख में खरीदना है, तो इनके बीच में जो आपस में तय हुआ है 10 लाख जो मूल्य है उसका मौद्रिक रूप से वो प्रतिफल माना जाएगा। तो एग्रीमेंट होने के लिए प्रतिफल होना भी आवश्यक माना गया है। अगला बिंदु है हमारा
कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी मतलब अनुबंध करने की क्षमता। अनुबंध करने की क्षमता का आवश्यकता है बच्चों कि व्यक्ति में अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए। आज अगर हम देखें तो कोई व्यक्ति अनुबंध होने की योग्यता के लिए वह 18 वर्ष की आयु पूरी करना जरूरी है, मतलब व्यस्क होना चाहिए, मेचर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो बिंदु है हमारा, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, मतलब उसमें सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, सामान्य विवेकशील प्राणी के अनुरूप सोच सके। तीसरी बात कि पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। चौथी बात किसी विदेशी शत्रु राष्ट्र का नागरिक नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर किसी पक्षकार में होंगी तभी अनुबंध करने की योग्य माना जाएगा। मान लीजिए किसी अवयस्क ने अनुबंध कर लिया, अवयस्क के साथ आपने ठहराव कर लिया, तो उसके साथ किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ माना जाएगा, व्यर्थ वॉइड माना जाएगा। वाई, व्हाट इज द रीज़न? बिकॉज यू दे हैव नो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, उनके पास अनुबंध करने की क्षमता क्योंकि नहीं है। जो जितने भी माइनर पर्सन होंगे अवयस्क होंगे उनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं मानी गई है। कानून उनको ये कह के मुक्त कर देगा कि उनकी अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, तो उनके साथ किया गया ठहराव व्यर्थ है, वॉइड है, नॉट की वैलिड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बिंदु है हमारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। बच्चों क्या होता है, कभी कभी हम कोई इस प्रकार का कार्य आपस में कर लेते हैं जिसका उद्देश्य इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस नहीं होता है। तो हम बात कर रहे हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि हम जो ठहराव कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका इंटेंशन क्रिएट लीगल रिलेशंस भी होना जरूरी है। सपोज़ करिए आज हमारे परिवार में हम आपस में कोई स्नेहवश प्रेमवश कोई ठहराव कर लेते हैं। मान लीजिए किसी पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा इस बार तुम क्लास में अच्छा रैंक लाना, अच्छा परसेंटेज लाना, तो मैं तुम्हें हमारी पसंद की गाड़ी दिलाऊँगा। ठीक है, तो पुत्र ने क्या कहा, क्या करा, उस साल बहुत मेहनत करी और उसको उम्मीद थी कि पापा मुझे मेरी पसंद की गाड़ी दिलाएंगे, लेकिन किसी कारण से पिता उसको गाड़ी नहीं दिला पाए। इन्होंने आपस में ठहराव किया था ना दूसरे से, लेकिन ये ठहराव आपसी ठहराव है, पारिवारिक ठहराव है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए किसी कारण से पिता उसको उस वर्ष गाड़ी नहीं दिला पाए, तो यहाँ पर जो उसका पुत्र है तो वो न्यायालय में जाकर ही उनके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता है या किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकता कि मेरे पिता ने मुझे गाड़ी नहीं दिलाई, इन्होंने मुझसे प्रस्ताव सहमति ली थी। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उनका इंटेंशन क्या नहीं है, इंटेंशन क्रिएट लीगल रिलेशन बनाना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ आपस में पिता पुत्र का पारिवारिक स्नेहपूर्ण संबंध माना गया है। दूसरी बार यहाँ प्रतिफल भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो ठहराव भी बना रहेगा, अनुबंध का रूप नहीं ले सकता, मतलब उसे वो कानून का सहारा लेकर अनुबंध नहीं मना पाएगा। आप दूसरी स्थिति समझिए बच्चों उस पॉइंट के लिए, मान लीजिए कोई व्यापारी है, वो किसी दूसरे व्यापारी से कोई माल खरीदता है, मान लीजिए एक्स वाई से माल खरीदता है, लेकिन उस समय वो उसके लिए उसके पास कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, तो वो कहता है कि मैं ये माल आपको एक दो दिन में उपलब्ध करवा दूँगा। तो इसकी बात को ध्यान में रखकर व्यक्ति कहीं और से भी माल नहीं खरीदता है, लेकिन दो दिन बाद भी उसके माल नहीं पहुँचता है, तो उसको उस कार्य के लिए जो हानि होती है क्षतिपूर्ति के लिए उसको बाध्य करने के लिए कहता है। तो ऐसी स्थिति में वो उसको बाध्य कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर उनके बीच में आपस में बिजनेस रिलेशन है। क्योंकि जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ हर चीज़ का वो होता है, जो उनका इंटेंशन तो होता है, तो वो एक दूसरे से लीगली बाध्य कर सकते हैं। तो उसको दो दिन अगर माल उपलब्ध नहीं होने के कारण उसका जो काम अवरुद्ध रहा, उसकी जो संस्था में जो जहाँ कर्मचारी कार्य करते हैं वो बेगम फ्री बैठे रहे, उसके लेबर उसको चार्ज करनी पड़े, उसके फिक्स चार्जेस को देने पड़े, ऐसी स्थिति में जो उसकी नुकसान हुई उसकी भरपाई उस व्यक्ति से कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उनके बीच में व्यापारिक संबंध है और ऐसी स्थिति में उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन वाले संबंध माने जाएंगे। तो ये इस प्रकार के जो हमारे जो कार्य होंगे उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है हमारा लीगल ऑब्जेक्टिव। लीगल ऑब्जेक्टिव का मतलब है बच्चों कि जो व्यक्ति पक्षकार दोनों पक्ष कार्य कर रहे हैं आपस में वो लीगली होना चाहिए, कानून रूप से वो मान्य होना चाहिए। यदि आप कोई अवैध कार्य करोगे, गलत कार्य करोगे, तो कानून रूप से मान्य नहीं होगा। तो आपका उद्देश्य कैसा होना चाहिए बच्चों, लीगल होना चाहिए। इसी प्रकार अगला बिंदु है हमारा सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब निश्चितता। निश्चितता का आशय बच्चों यहाँ हम लेंगे, जो भी हम कार्य के लिए आपस में ठहराव कर रहे हैं उसकी निश्चितता होनी चाहिए, उसको कार्य के पूरा होने की संभावना होनी चाहिए। यदि कार्य प्रगति का इसका संभव होना तय नहीं है, तो कभी भी ठहराव अनुबंध नहीं बनेगा।
मान लीजिए राम श्याम से कहता है कि तुम मुझे तारे तोड़ के ला दो तो मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा। अब श्याम ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें तारे तोड़ के ला दूंगा। तो बच्चों ये बताइए कि कार्य संभव है? नहीं है, क्योंकि आज तक कोई भी तारे तोड़ के नहीं ला सका है। वो सिर्फ हमें आसमान में टिमटिम करते ही नज़र आते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ कार्य की इम्पॉसिबिलिटी होती है, जो सर्टेनिटी उसमें नहीं होती है, तो उस कार्य को आप नहीं कर सकते, तो वो कभी भी ठहराव अनुबंध का रूप नहीं लेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट बिंदु हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कि कार्य इस प्रकृति का होना चाहिए जिसके पूरे पूर्ण होने की संभावना होती हो। सपोज करिए वो कार्य इस प्रकृति का है जो करते समय तो पूर्ण होने की संभावना थी, लेकिन अब संभावना नहीं है, तो वो ठहराव ही बना रहेगा, अनुबंध नहीं बनेगा। सपोज करिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से गाय खरीदने के लिए प्रस्ताव किया। उसने कहा ठीक है, मैं आपको अपनी गाय दे दूंगा। तो उसने उसके लिए कुछ पैसे एडवांस दे दिए और कहा कि गाय को मैं 4-5 दिन बाद आपको दूंगा, अभी वो मेरे पास नहीं है, मेरे गांव में है, वो काम से मुझे लानी होगी, काम से मैं आपको लाके 4-5 दिन में आपको दे दूंगा। तो उसने उसके पैसे उसको एडवांस दे दिए। सपोज़ करिए 4-5 दिन बाद वो गाय मर जाती है। गाय क्या हो गई? मर गई। तो बताइए बच्चों, तो क्या वह गाय जब मर गई तो क्या एक आय वो ठहराव पूरा होना संभव है क्या? अब वो संभव नहीं, क्योंकि जो विषय वस्तु है हमारे पास जो गाय थी, अब वो जीवित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ठहराव व्यर्थ हो जाएगा और अनुबंध नहीं बन पाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब कार्य को पूरा करने की संभावना नहीं है, तो वो कभी भी ठहराव अनुबंध का रूप नहीं लेगा। तो जिस विषय वस्तु के लिए उसने ठहराव किया था, वह विषय वस्तु जीवित नहीं है, तो वो ठहराव व्यर्थ माना जाएगा, अनुबंध का रूप नहीं लेगा। नेक्स्ट है एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वर्ड, मतलब वह व्यर्थ घोषित ठहराव में से ना हो। यानी कहने का आशय, जब भी कोई व्यक्ति आपस में ठहराव करते हैं, तो ठहराव इस प्रकृति का होना चाहिए कि वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। व्यर्थ का मतलब मान लीजिए किसी अवैध व्यक्ति ने वो ठहराव कर लिया, किसी पागल व्यक्ति ने कर लिया, किसी दिवालिया व्यक्ति ने कर लिया, तो वो ठहराव के बच्चों व्यर्थ माने जाते हैं, कानून रूप से उन्हें मान्य नहीं होते हैं। तो कहने का आशय, जब भी आप ठहराव करें, तो आप ये पूरी तरह से देख लें कि जो ठहराव किया गया है वो स्वस्थ व्यक्ति के साथ, व्यस्त व्यक्ति के साथ किया गया है, या कानून द्वारा जो व्यर्थ घोषित ठहराव किए उनकी श्रेणी में वो नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट है बच्चों हमारा पॉइंट कॉम्प्लाइंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब है, जब भी हम कोई ठहराव करते हैं, तो उसकी जो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी होती है, उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को आपको पूरा करके ही आप ठहराव से अनुबंध बना सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि एवरी एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सबल बाय लॉ मस्ट पॉसेस ऑल दिस एसेंशियल स्टिमुलस। कहने का मतलब है कि सभी लीगली जो हम देखते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये बातें होना आवश्यक है। यदि किसी भी ठहराव में इन बिंदुओं में से किसी बिंदु का अभाव होता है या कोई बिंदु मिस होता है, तो हम मानेंगे कि वो ठहराव वैलिड नहीं है। तो बच्चों आपको जब आप फर्स्ट या सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, बुक के अंदर खोलेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत सी डेफिनेशन आपको अलग राइटर्स की मिलेंगी, बहुत से एग्जांपल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो आप उनको पढ़िए, समझिए, क्योंकि बच्चों के पास टाइम बहुत कम है और कोविड के कारण बच्चे कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, तो हम इतना आपको डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। हम एक छोटे से वीडियो में आपको मेन चीज़ें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट होता है। तो आप सबसे मैं कहना चाहूँगी बच्चों कि आप डीपली स्टडी करें, बुक्स खोलें, बुक्स ले लीजिए, बुक्स में फर्स्ट सेकंड चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करें। आपको एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार पढ़ें, 30 बार पढ़ें, तो उसके बाद आप मेन जो हाईलाइट्स पॉइंट आपको दे रखे हैं उनको पढ़ें, और जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं बच्चों उनको पढ़ने का प्रयास करें, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा और अच्छे से आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो बच्चों हम जीवन में एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बहुत करते हैं, लेकिन अगर हम उसको अच्छे से समझेंगे तो हम उसको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इसके लिए आपको डीपली से पढ़ना होगा। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि बुक्स ले लीजिए और अपनी रेगुलर स्टडी में लग जाइए और उसको समझने का प्रयास कीजिए।